बहुत सारे बच्चों का एक ही कमेंट मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए नीट 2024 काउंसलिंग के लिए। सो मैंने सोचा आपके लिए पर्टिकुलर पूरा वीडियो बता देता हूं जिसके अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ हमें अब क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानाप्रथी तेलंगाना। लाइक जितने भी डॉक्यूमेंट्स है लाइक MBBS, BDS, BMS, BHMS, BUMS सबके लिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको लास्ट मोमेंट पर जाके केओस ना आए। बिकॉज जैसी काउंसलिंग स्टार्ट होती है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे करें क्या। बिकॉज अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको बनाना हुआ ना तो उसको टाइम लगता है बनाने में, लाइक 15 डेज लग जाते हैं, 20 डेज लग जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंटल स्टेबिलिटी बिगाड़ सकता है। अभी आप फ्री बैठे हो, अभी आपके पास मौका है, अभी आपके पास टाइम है, आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवा लो अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है या फिर आप चाहते हो किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, वीडियो पूरी देखना, अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। दिस इज ऑल आई वांट फ्रॉम यू गाइस। तो बात करते हैं अपन सबसे पहले क्या क्या आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है क्लास टेंथ का सर्टिफिकेट और मार्कशीट। क्या चाहिए? क्लास टेंथ की सर्टिफिकेट और मार्कशीट। और दूसरी चीज़ चाहिए वो है क्लास ट्वेल्थ का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो मेन चीज़ ये है कि इनके अंदर अगर आपकी कोई डाउट है, मतलब किसी में आपके कोई मिसस्पेलिंग है, लाइक फादर स्पेलिंग गलत है, मदर नेम स्पेलिंग गलत है, तो अभी आपके पास मौका है। आप जैसे अगर आपने CBSE से लिया तो आप CBSE के पास जाके वहाँ पर अपनी रजिस्टर केस फाइल कर सकते हैं और वो आपकी जो भी वो है वो सही कर देंगे। वो आपको एक टाइम लिमिट देंगे कि हाँ 15 डेज के अंदर आपके सही हो जाएगी। तो आपको क्या करना, वो जल्द से जल्द करवा लेनी है ताकि काउंसलिंग के टाइम पर अगर आपकी मिसस्पेलिंग हुई तो कहीं ना कहीं आपको यू नो एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे बचने इस चीज़ से बचने के लिए भी आपके पास टाइम है कि आप जाइए और इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके उसको सॉर्ट आउट कीजिए। ओके, तीसरी जो चीज़ है वो है आपका नीट का एडमिट कार्ड। नीट का एडमिट कार्ड क्या है? जो आप एग्जाम सेंटर के अंदर ले गए थे जब आपने 5 May 2024 का एग्जाम दिया था, वो एडमिट कार्ड आपको चाहिए। अभी आप उसका प्रिंट निकाल लो, साइट पे पड़ा होगा, ताकि आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना आए। बिकॉज कई बार क्या होता है, जैसे रिजल्ट आता है तो जितने भी पीछे की चीज़ होती है लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, वो सारी वो हटा देते हैं। तो आप अभी आप जाके 2 से 3 कॉपी उसकी डाउनलोड कर लो या फिर निकाल लो, प्रिंट आउट निकलवा लो। चौथी जो चीज़ है वो है नीट कन्फर्मेशन फॉर्म। नीट कन्फर्मेशन फॉर्म क्या है? जब आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भरने के बाद जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट आता है प्रिंट आउट होके, वो आपका नीट कन्फर्मेशन फॉर्म है। वो भी आपके पास होना मस्ट है, इसीलिए आप उसकी भी प्रिंट आउट निकलवा लो अगर आपने अभी तक नहीं निकलवाई है तो। पांचवी जो चीज़ है वो है आपका नीट 2024 का स्कोर कार्ड, जो कि आपका 14 June 2024 को आएगा, रिजल्ट आएगा, वो आपके पास होना मस्ट है। बिकॉज उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना आपका जो रिजल्ट है। सिक्स जो चीज़ है वो है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्टिफिकेट जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अभी नहीं बनाओगे तो लास्ट मोमेंट पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है काउंसलिंग में। तो सबसे पहले जो सर्टिफिकेट है वो है आपका OBC। OBC का सर्टिफिकेट आपको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। लाइक अगर आप सेंट्रल काउंसलिंग करवाओगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग करवाओगे, तो आपको लेटेस्ट वाला चाहिए जो कि March 31 के बाद वाला है। तो आप कोशिश करो कि उसको कंप्लीट करवा लो। दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो है EWS। EWS सर्टिफिकेट भी हर साल बनता है। सेंट्रल काउंसलिंग करवाओगे तो March 31 के बाद वाला EWS सर्टिफिकेट होना लाजमी है। इसीलिए जो भी स्टूडेंट्स ने पुराना ले रखा है तो वो पुराना नहीं चलेगा, March 31 के बाद वाला EWS सर्टिफिकेट वैलिड होगा। तो आप उसको रेडी करवा लो जो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए हैं। और जो स्टेट काउंसलिंग के लिए, उसके लिए EWS का जो सर्टिफिकेट है वो ऑलमोस्ट 3 साल तक चलता है। तो आप जो आपके पास पुराना है वो चल जाएगा। ओके, और तीसरा जो सर्टिफिकेट है वो SC और ST का सर्टिफिकेट है। ये तो ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं हमेशा, हर साल इनमें चेंज नहीं आते। बट आपके पास नहीं है तो इसको बनवा लो, रेडी करवा लो, लेटेस्ट हो तो लेटेस्ट बनवा लो, ताकि आपको और भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए, बिल्कुल स्मूथली आपका एडमिशन हो जाए। तो ये टोटल मैंने आपको सारे सर्टिफिकेट बता दिए, ये आपके पास रेडी हो जाने चाहिए। जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता तो आप उसके लिए फ्री रहें। 7 जो चीज़ है वो है पासपोर्ट फोटोग्राफ। पासपोर्ट फोटोग्राफ आपके पास कौन सी चाहिए? जो आपने नीट के फॉर्म में लगाई थी, जो आपने नीट के एडमिट कार्ड में लगाई थी, वही आपको नीट के काउंसलिंग के अंदर वही पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ लगानी है। और वो ऑलमोस्ट आपके पास 10 to 15 होनी चाहिए। आप पहले ही एक्स्ट्रा रख लो, अभी बनवा लो, ताकि आपको लास्ट में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपकी स्मूथली काउंसलिंग प्रोसेस हो जाए। 8वीं जो चीज़ है वो है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ आप सबके पास होगा, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ चल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। 9th जो चीज़ है वो है आपका TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कई स्टूडेंट जो पार्शियल ड्रॉप लेके बैठे हैं और किसी और कॉलेज में एडमिशन ले लें लाइक BSC के अंदर, तो उन्होंने अपनी TC वहाँ जमा कर रखी है। तो ये अभी आपके ऊपर ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं जो मुझे कोर्स मिल रहा है उसके अंदर एडमिशन मेरा हो जाएगा, तो आप चाहो तो वहाँ से TC निकलवा सकते हो या फिर उस कोर्स को छोड़ सकते हो, बिकॉज उसके अंदर कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। लास्ट मोमेंट पे ऐसे मत करना कि आप है ना यहाँ भी फंस गए और वहाँ भी फंस गए। तो क्योंकि TC और ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान, तो आपको ये चीज़ चाहिए आपके हाथ में। तो ये आपके ऊपर है आपको कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना है। 10th जो चीज़ है वो है आपका गैप सर्टिफिकेट।
गैप सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ड्रॉप लिए लाइक एक साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल, डिपेंड्स ऑन द योर, ठीक है, आपने कितने ड्रॉप लिए, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ता है, तहसील में जाके या फिर रिस्पेक्टिव कोर्ट में जाके आपको वो लॉयर से बात करनी है, वो आपका जो गैप सर्टिफिकेट है वो बनवा देगा और बहुत ईजिली बन जाता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है ऑलरेडी पूरी, आप वहाँ देख सकते हो कैसे आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ऊपर आपको दिख जाएगा ई बटन में। 11th जो चीज़ है वो है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट। जो भी स्टूडेंट तेलंगाना के अंदर MBBS करने की सोच रहे हैं उनके लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है काउंसलिंग में, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड अगर आपको देखना है कि आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप जाके वहाँ देख सकते हो, आई बटन पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद 12th जो है वो है आपका हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट सम स्टेट्स के अंदर काम आता है लाइक महाराष्ट्र और सम अदर स्टेट्स, तो आपको वहीं उनके लिए जरूरत पड़ती है लाइक बिहार, यूपी, तो वो आपको बन जाएगा, उसमें भी कोई इजी, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। 13th जो चीज़ है वो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप सबके पास अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए ताकि काउंसलिंग के दौरान वो चीज़ काम में आती है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए लास्ट मोमेंट पे। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। काउंसलिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, काउंसलिंग ऑलमोस्ट पहले रिजल्ट आएगा 14th of June 2024 को, उसके बाद 15 दिन बाद आप मान के चलो कि आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम द 1st July 2024। सो बी रेडी विद द काउंसलिंग एंड आई होप यू विल गेट द वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम @medicopathan और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।